भारत सरकार की स्वच्छता ऐप के जरिए कन्नौज को चमकाने की मुहिम तेज हो गई है। यहाँ के सदर नगर पालिका ने स्वच्छता ऐप को घर तक पहुँचाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पालिका प्रशासन का कहना है कि स्वच्छता ऐप से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का सबसे आसान जरिया है। स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए कन्नौज में पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम पर काम शुरू हो गया है। इसके तहत शहरी इलाकों की गंदगी स्वच्छता महुआ ऐप के जरिए दूर करने पर काम शुरू हो गया है। केंद्र के मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन ऑफिसर्स ने यह ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए कोई भी शहरी ऑनलाइन अपने घर के आसपास फैली गंदगी की जानकारी नगर के अधिकारियों को दे सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वच्छता ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक जो नगर पालिका परिषद कन्नौज क्षेत्र का है, उसको यदि ये लगता है कि उसके गली मोहल्ले या आसपास सफाई नहीं है, तो स्वच्छता ऐप महुआ डाउनलोड करके वो अपनी शिकायत नगर पालिका में दर्ज करा सकता है। शिकायत निस्तारण के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया है और समस्त सफाई नायकों को त्वरित निस्तारण के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं, जिससे आम नागरिकों को बहुत ही फायदा हो रहा है और इससे शहर की सफाई भी दुरुस्त हो रही है। एक सेल बना हुआ है हमारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उस पर हम लोग सुबह शाम मॉनिटरिंग करते हैं और इसका उद्देश्य स्वच्छता ही है। स्वच्छता ऐप स्वच्छता को कैसे आगे बढ़ाएं, जनता को कैसे ऑनलाइन सुविधाएं दी जाएँ, ये सब बातें उसमें सम्मिलित हैं। दो तरह की शिकायत आ रही है। एक शिकायत ये आ रही है कि जो पुराने हमारे डंप साइट हैं उसका लोग शिकायत दे रहे हैं, तो उससे ये पता चला कि हम कोई भी कूड़ा आसपास न रखें। जो पुराने कूड़ा डंप स्थल हैं वो कूड़ा नहीं गिराया जा रहा है। और नई शिकायतें ये इस तरह रही हैं, किसी घर के पास अगर है तो वो स्वच्छता ऐप का उपयोग कर रहा है और हमको बता रहा है कि हमारे घर पे सफाई नहीं हुई, तो उसको हम लोग सफाई करा दे रहे हैं। ऐप लॉन्च होने से शहरियों को इसका फायदा भी मिलने लगा है। ऐप डाउनलोड करने वाले शहरी जहां भी कूड़ा गंदगी देखते हैं फोटो खींच लेते हैं, फिर अपना जिला और नगर का फोल्डर खोलकर उसमें अपलोड कर देते हैं। इसके सकारात्मक नतीजे भी कन्नौज में सामने आने लगे हैं। अरे फ़ायदे तो बहुत हैं इसमें, जैसे कि अभी हम कोई अपना गंदगी वगैरह होती थी उसके लिए जानकारी देने के लिए हमें नगर पालिका जाना पड़ता था, वहाँ एप्लीकेशन दे रहे हैं फिर भी उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारे मोहल्ले में एक जगह गंदगी थी तो मैंने उसकी फ़ोटो को अपलोड किया उस ऐप्स पे और मुश्किल से एक घंटा भी नहीं बीता होगा, देखा वहाँ पर साफ़ सफाई हो गई उस जगह के अलावा पूरे मोहल्ले में भी मेरे साफ़ सफाई कर दी गई, तो ऐप्स से काफ़ी मेरे वहाँ पर जाना आना बचा। दूसरा कि उसे तुरंत संज्ञान में लिया जाता है, यदि कोई फ़ोटो उस पर डाउनलोड करते हैं ऐप्स पे तो वो तुरंत संज्ञान में लेके वो जो गंदगी होती है वो तुरंत वहाँ पे साफ़ सफाई कर दी। ऐप्स बहुत फ़ायदेमंद है और इसे लोगों को जागरूक होके इसे ऐप्स को डाउनलोड करके और इस पर ये भी करना चाहिए कि जहाँ पर उनको मोहल्ले में अपनी गंदगी दिखाई पड़े उसे तुरंत फ़ोटो अपलोड करें, उसके बारे में अपना कमेंट्स करें, जिससे कि जो स्वच्छता अभियान छेड़ा गया है उस पर हम लोग 100% दे सकें। कन्नौज नगर पालिका प्रशासन ने स्वच्छता ऐप को घर घर पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी है। पालिका चेयरमैन का कहना है कि ऐप डाउनलोड करने के लिए शहरियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे भविष्य में प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत मिशन कामयाब हो सके। हमारी इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज में हम लोगों ने सफाई व्यवस्था को लेकर और ख़ास तौर से स्वच्छता ऐप को लेकर हम लोगों ने स्वच्छता प्रोत्साहन टीमों का गठन किया है, जिसकी मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उस स्वच्छता ऐप के माध्यम से हम लोगों को शिकायत करें, ताकि जैसे ही हमको शिकायत मिलती है हमारे नगर के सफाई कर्मचारी, हमारी नगर पालिका के कर्मचारी उसको प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निराकरण कराते हैं, ताकि जन सामान्य स्वच्छता ऐप के माध्यम से अपने आप को लाभान्वित महसूस कर सके और उसका एक उचित लाभ उठा सके। स्वच्छता ऐप पे हम लोगों का जो विषय चल रहा है वो कन्नौज के समस्त नगरवासियों व समस्त सभासदगणों के सहयोग के द्वारा बहुत अच्छा चल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में स्वच्छता ऐप कन्नौज के लगभग जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन हैं आपको हर मोबाइल में मिलेगा, उस पर आने वाली समस्याओं का हम लोग एक समयबद्ध तरीके से एक सिस्टम से उसको निराकरण कराएंगे लोगों को और जन सामान्य को। माननीय मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसको निश्चित रूप से 100% सफल बनाएंगे। कन्नौज से राजा कटियार की रिपोर्ट।